लाल रक्त कण RBC का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन, WBC का जीवन काल 1 से 4 दिन। WBC व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है ल्यूकोसाइट। RBC रेड ब्लड सेल को कहा जाता है इथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहते हैं O को। यूनिवर्सल रिसिप्टर सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं AB को। रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है स्फाइगोमैनोमीटर। ब्लड बैंक कहलाता है स्प्लीन पिल्हा। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पहुँचे हुए भोजन का अवशोषण होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। पित्त का स्रावित होता है यकृत लीवर से और पित्त का स्टोर होता है गॉल ब्लडर में। विटामिन ए की संचित होती है यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी कि लीवर। सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। लार्स सलीवा में पाया जाने वाला एंजाइम को कहते हैं टाइलिन। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है तो पुरुष क्रोमोजोम से, क्योंकि पुरुष क्रोमोजोम के पास एक्स और वाई दोनों क्रोमोजोम होते हैं। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय यानी कि 4 चैम्बर ऑफ हार्ट। शरीर में गुड़ सूत्रों की संख्या पाई जाती है 46 यानी कि 23 जोड़े। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तांत्रिका कोशिका नर्वस सिस्टम। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि यूरिया के कारण। मानव मूत्र का pH मान 6 होता है। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट या 37 डिग्री फारेनहाइट। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैरों में। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं कैल्शियम एवं फास्फोरस। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित होते हैं फ्रेनोलॉजी। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन। जीवित जीवाश्म में कौन यानी कि अबंडेंट गैस कौन होता है साइकस। मिनी माता रोग किसके कारण होता है जल में मरकरी के प्रदूषण से। मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं डर्मेटोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है इंटोमोलॉजी। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है यकृत लीवर के द्वारा। दूध को पचाने के लिए एंजाइम कौन सा एंजाइम होता है तो रेनिन। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य होता है स्प्लीन तिल्ली को। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में क्या होता है तो लोहा आयरन होता है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है तो हिपेरिन। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है तो लिम्फोसाइट। लाल रक्त कणों का शमशान कहा जाता है प्लीहा स्प्लीन को। क्रेब्स चक्र किसका संश्लेषण होता है पाइरुविक एसिड। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है यकृत में। यकृत की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है विक्रको में। श्वसन के क्रिया कहाँ संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रियल मानव वक्र में। धन्यवाद।